जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आपका अपने YouTube चैनल प्रेम फिटनेस क्लब पर स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है घोड़े की तरह कैसे दौड़ें। दोस्तों घोड़ा एक तो रियल वाला घोड़ा होता है और एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा होता है, कि यानी कि 100 बच्चों की भीड़ में अगर आप 20 से 25 मीटर का गैप डाल के दौड़ रहे हो तो आप भी रनिंग के घोड़े कहलाओगे। तो दोस्तों आप भी घोड़े की तरह दौड़ सकते हो, लेकिन कैसे दौड़ सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको जो 8 एक्सरसाइज बताने वाला हूं, इनको अगर आप रनिंग से पहले हफ्ते में 3 से 4 बार फॉलो करते हो तो आप भी घोड़े की तरह दौड़ोगे, गारंटी लेता हूं मैं इस बात की। लेकिन ये 8 एक्सरसाइज मैंने लिख दी, करनी किस तरीके से है आपको तो ये पता ही नहीं है, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। इस स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज का नाम भी बताऊंगा और मैं यहां पे आपको एक्सरसाइज को करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। लेकिन आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यार सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहली एक्सरसाइज जो है हमारी है क्लैप लंजेस। दोस्तों करनी किस तरीके से आप स्क्रीन पे देख लीजिए। आपको इस एक्सरसाइज से आपका जो थाई का पावर है बढ़ेगा और आपके रनिंग करने के दौरान पैर भर जाते हैं तो ये समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के आपको करने क्या है, यानी कि दोनों पैरों से 15-15 के 3 सेट करने हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है हमारी स्टार जंप। आपको बेंड पोजिशन में आ जाना है कुछ इस टाइप से और आपको अपने पैरों को आगे पीछे करना है इस टाइप से, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके आपको ज्यादा नहीं दोस्तों 20-20 के आपको 3 सेट करने। इस एक्सरसाइज को करने से आपके हाथ नहीं भरेंगे, आपके शोल्डर स्ट्रांग बनेंगे, आपका कोर स्ट्रांग बनेगा और आपकी थाई भी स्ट्रांग बनेगी। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के आपको 20-20 के 3 से 4 सेट करने हैं। इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है दोस्तों जंप स्क्वाट। दोस्तों तेज दौड़ने के लिए आपके एंकल में, काफ में, थाई में, पूरे लेग्स में पावर होना बहुत जरूरी है और दोस्तों मैं इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्सरसाइज मानता हूँ, यानी कि जंप स्क्वाट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्सरसाइज है लेग्स की पावर को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के आपको 15-15 जंप के साथ 3 सेट में इसे परफॉर्म करना है अगर आपको घोड़े की तरह दौड़ना है तो। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथी एक्सरसाइज की। दोस्तों नंबर 4 एक्सरसाइज है नी टू टक जंप। दोस्तों बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सरसाइज है, शुरुआत में तो ये आपसे होगी नहीं, ठीक है, अगर होगी तो उल्टा सीधा आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार। मैंने भी इस एक्सरसाइज को शुरुआत में किया था तो मेरे भी पैर लड़खड़ा रहे थे, मैं भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब आदत में आ जाता है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है और आपको ज्यादा नहीं दोस्तों, पहला सेट आप 12 का कर लेना, दूसरा सेट आप 10 का कर लेना और तीसरा सेट जो है आपका 8 का कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारी पोल हाइनी। रनिंग में स्टेप को सुधारने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, ऐसे ही करनी है और 30 सेकंड के 3 से 4 सेट करने हैं। इस एक्सरसाइज को आप दीवार पे हाथ लगा के कुछ इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप पोल पे ही इस एक्सरसाइज को करो, दीवार के सारे भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज है हमारी हाइनी, ठीक है, नंबर 6 एक्सरसाइज है रनिंग हाइनी। दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप एक जगह पे भी कर सकते हो और वॉकिंग में भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस एक्सरसाइज से बहुत भाई बोलते हैं कि हमारा तो पैर उठता ही नहीं है, रनिंग करने के दौरान हमारा पैर नहीं उठता है, ना ही हमारा स्टेप खुलता है, ना ही हमारी स्पीड बढ़ती है और हमारे हाथों का जो पोस्चर है वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। दोस्तों अगर आप इस एक्सरसाइज को सही ढंग से परफॉर्म करोगे जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है तो दोस्तों आपका रनिंग में स्पीड 100% बढ़ेगा और आपका पैर नहीं उठता है वो भी उठने लगेगा और लॉन्ग स्टेप भी आपका सुधर जाएगा। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के आपको 33 सेकंड के 3 से 4 सेट करने हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है स्टेप अप, ठीक है। स्टेप अप नाम सुन के ही आपको पता लग गया होगा कि ये तो स्टेप की ही एक्सरसाइज है। तो दोस्तों जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है इस टाइप से करना है और 33 मीटर के दायरे में 33 सेकंड के 3 से 4 सेट आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों बट किक। दोस्तों मैं आपको बता दूं,
हमें तेज दौड़ने के लिए हमारी जो हैमस्ट्रिंग है उसमें स्ट्रेंथ होना जरूरी है। अगर उसमें थोड़ा सा भी क्रैम्प आ जाता है तो दोस्तों हम बहुत ज़्यादा इंजरी में चले जाते हैं और हो सकता है कि हमें 2 से 3 महीने रेस्ट लेना पड़े। दोस्तों अगर आप अपनी हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेंथ लाना चाहते हो, आपकी जो बैक मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ लाना चाहते हो, तो आप बट किक एक्सरसाइज कर सकते हो 20 से 30 मीटर के दायरे में। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट करने हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों मैंने लिख के ही नहीं आपको वीडियो में करके भी दिखाया। तो दोस्तों ये 8 एक्सरसाइज करके आप घोड़े की तरह दौड़ सकते हो। और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आपको शुरू में यानी कि दौड़ने से पहले आपको अच्छा स्ट्रेचिंग करना है, अच्छा वार्म अप करना है 2 से 3 राउंड, फिर इन सभी एक्सरसाइज को करना है। इसके बाद आपका जो भी रूटीन है यानी कि रेपिटेशन है या फिर आपकी जो रनिंग है उसे आप कंप्लीट कर सकते हो। और कुछ समय बाद यानी कि आप 2 से 3 दिन में तो नहीं दोस्तों, कम से कम आप 2 हफ्ते बाद देखोगे तो आपका 100% इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी टाइमिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आपके पैर भर रहे हैं तो पैर भी नहीं भरेंगे, अगर आपका रनिंग में स्पीड नहीं आ रहा है तो आपका रनिंग में स्पीड भी बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों इस वर्कआउट को आप एक बार जरूर मेरे कहने से फॉलो करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में हमारी अकेडमी है। हेल्पलाइन नंबर हमने नीचे दे रखा है। आर्मी और SSC फिजिकल की यहाँ पे बेस्ट तैयारी कराई जाती है और तैयारी कराने वाला मैं ही हूँ। तो दोस्तों आप एक बार हमारी अकेडमी को जरूर विजिट करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे कुछ और अच्छा लेकर। अब हमें दीजिए जाने की इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।